नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो कुछ किसान भाइयों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही थी कि 743 ट्रैक्टर जो है, 43 ही कहते हैं हम तो, 44 जो है अच्छी कंडीशन का चाहिए और कम रेट में चाहिए। तो ट्रैक्टर अच्छी कंडीशन का है, कम रेट में है, कंडीशन इतनी बेहतरीन है, कोई भी भाई ये ना कहे कि ट्रैक्टर रिपेंट है। साथ में एक ट्रैक्टर 2015 मॉडल भी है, उसको भी दिखा देता हूँ। और 2000 वो 2000 मॉडल है जी, वो 2000 मॉडल है। ये मेरे, ये कहाँ का नंबर है? ये नोएडा, ये ग्रेटर नोएडा का नंबर है। और नोएडा का हो या ग्रेटर का हो, अब तो लग गया इसमें जो भी लगने हैं ग्रेटर वेटर। बाकी 14 और 28 के टायर हैं, काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है दोस्तों। और इसकी कीमत आप कमेंट में नंबर दे देना जो भाई खरीदना चाहते हैं। बाकी और आपको जैसे भी जानकारी अच्छी लगी हो, ट्रैक्टर जैसा भी लगाओ, मैं पास से दिखाऊंगा दोनों ट्रैक्टरों को, तो आप वीडियो के लास्ट तक रहना बन के, कभी छोड़ के चले जाओ कि भाई मुझे तो वही चाहिए पल्ले वाला। बाकी ट्रैक्टर दिखा देता हूँ, पहले ये वाला, ये ट्रैक्टर आप देख सकते हो, ये कंडीशन है ट्रैक्टर की, इंजन पे से यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी। और ये इसका फ्यूल पंप है, दोस्तों कई बार कचरा वगैरह आ जाता है तो फ्यूल पंप में काम हो जाता है थोड़ा बहुत। बाकी आपके सामने है पूरा इंजन ट्रैक्टर का जैसे भी है, गेयरबॉक्स तो इनका खुलता ही है काफ़ी लंबे समय तक भी। जैसे कोई भाई सोचे कि भाई टिपिंग ट्रॉली वगैरह पे चला हुआ ट्रैक्टर चल रहा जी, ये लगभग आप देख सकते हो। और मैं पिछले हिस्से की बात करूँ ट्रैक्टर के, तो 14 और 28 के टायर हैं इसके अंदर, गुडियर वज्र के आप देख सकते हो। और साथ में इसकी जो हाइड्रोलिक है वो काफ़ी अच्छी है, लिफ्ट भी अच्छी है, हिच वगैरह का इंतज़ाम भी तकड़ा है, कोई टूचैन टाचैन करनी है। और बाकी ये हमारे स्वराज जैसा ही है बिल्कुल सेम। और इसकी कल्टीवेशन पे जो खिंचाई है वो इस वाले से बेटर है नए से, ये जो पुराना मॉडल है इसकी लिफ्ट भी लंबी है और भी कई सारी क्वालिटी हैं इसके अंदर। तो जैसे आप देख रहे हैं लगातार, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, ट्रैक्टर में बिल्कुल भी कड़स नहीं है, मतलब साफ ट्रैक्टर है बिल्कुल, आप देख सकते हो दूसरी साइड से भी। और ये नट देखो, अब तक आज तक नहीं खुले ट्रैक्टर के, बिल्कुल सील्ड ट्रैक्टर है। दूसरी साइड से दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं एक आपको, मरघाट वगैरह सब कुछ ओरिजिनल है, पूरा ट्रैक्टर ओरिजिनल है। इधर से देख सकते हो आप गियरबॉक्स वगैरह से यहाँ से। और TRV3 इंजन ही है दोस्तों, ये TRV3 नहीं आता, TRV3 इंजन आता, सॉरी TRV3 दूसरा होता है लेकिन ये दूसरा है। और 110 के बोर के साथ में ही है। बाकी नंबर कहाँ का जी ये ट्रैक्टर का? पंजाब, ये दोस्तों पंजाब नंबर है। पंजाब वाले भाई भी पूछते रहे कि भाई हमें अपने जैसा रामू हाथी दे दो, तो ये रामू हाथी है। बाकी आप आना टेस्ट करना ट्रैक्टर को, अपने भरोसे के साथ में खरीदना, हम ये नहीं कहते कि आप आँख मीच कर ले जाओ, आओ टेस्ट करो, आपको अच्छा लगे तो लेना। बाकी दूसरी साइड से भी दिखा देता हूँ, रिपेंट है नहीं ट्रैक्टर, ये मैं पक्की बात बता रहा हूँ आपसे, कोई सिद्ध कर दे इस बात को तो वो उनकी अपनी हड़क है। बाकी पास से देख लो आप इधर से, ये देखो आप इंजन की कंडीशन यहाँ से, सब कुछ टेंडम पंप वगैरह भी ओरिजिनल है और इंजन भी ओरिजिनल है। और एक बार आवाज़ सुनवा दो मम्मा जी इसकी, तो देखो पुरानी मशीन भी है, थोड़ा बहुत धुआं देख रही है मम्मा जी। इसे भी कर दो स्टार्ट, स्टार्ट रहन दो इसे, स्टार्ट रहन दो, इसे भी कर दो इधर वाले को। हाँ, और उसको आज हमारे मामा जी आए थे, अब कुछ भाई कहेंगे तुम अपने लिए तो बढ़िया ट्रैक्टर ढूंढ लो पर हमारे लिए नहीं ढूंढते, लेकिन तुम्हारे लिए भी अगर चाहते हो तो आप भी ले लो। और ये 744 है, ये भी काफ़ी अच्छा मॉडल है और काफ़ी शानदार आवाज़ है, बंद कर दो। दोनों ट्रैक्टरों की आवाज़ में थोड़ा डिफरेंस है, बढ़िया बढ़िया आवाज़ है। बाकी आपको जैसा भी लगा हो ट्रैक्टर एक कमेंट करना और कमेंट करके बताना। सो धन्यवाद, जैसी भी लगी वीडियो।